कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में अपनी 18 साल की उपलब्धियां नहीं गिनाते। सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 बार चुनकर आए, लेकिन अब वह लूट की सरकार के मुखिया है। जिस तरह से 2.5 साल से उनकी भाषा बदल गई है, उन्होंने इस दौरान कहा कि उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा तो प्रदेश के मुखिया पर शंका हुई कि उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। इसके साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर कहा कि आप जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको शर्मानी चाहिए। जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि आप आतंकवादी कमलनाथ को कहते हैं, सुनील जोशी कहां गया, आतंकवादियों से रिश्ता किसका है। शिवराज सिंह चौहान 3P से चुनाव जीतना चाहते हैं, पुलिस, पैसा और प्रशासन, जिसके प्रयोग पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग क्या प्रदेश में पहली बार चुनाव करवा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वोट नहीं डाल पाए, पर्ची होते हुए भी वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है, मध्य प्रदेश में लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए और इसका दोषी कौन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नगर निगम का चुनाव 80-20 के अंतर से हार रही है। मेकअप मंत्री आदिवासी महिला के साथ हुए अत्याचार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेकअप मंत्री जाने कहां सोते रहते हैं। जब आदिवासी महिला के साथ अत्याचार हुआ तब अता पता उनका नहीं था, वहीं विदेश की बातों पर जाग जाते हैं और प्रदेश की बातों पर सो जाते हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। विराट 24 न्यूज के लिए भोपाल से संजय शास्त्री त्रिवेदी की रिपोर्ट। चुनाव आयोग से ऐसा लगता है चुनाव आयोग पहली बार चुनाव करा रहा है, इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं हुए। इस तरह की जो व्यवस्था डगमगा गई है चुनाव आयोग की, वो बताती है कि पहली बार हो रहा है चुनाव, इससे पहले देश की आजादी से आज तक कोई चुनाव ही नहीं हुआ था मध्य। इस बार वोटर को जागरूक क्यों नहीं किया गया, वोटर का परसेंटेज इतना कम क्यों है? चुनाव आयोग सो रहा था, सरकार सो रही थी कि सरकार के षड्यंत्र से वोटर कम डले, इसकी बू आती है। अधिकांश लोगों की पर्चियां नहीं मिली जिससे हजारों लोग वोट न डाल पाए, इधर से उधर भटकते रहे, क्यों? चुनाव आयोग और सरकार दोनों बताए। बिना सूचना मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बिना सूचना दिए मतदाता को, प्रत्याशी को, कैंडिडेट को, पार्टियों को मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बीएलओ के ऊपर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है चुनाव आयोग का? लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? एक भी कार्रवाई हुई तो बताओ, क्यों नहीं हुई? सवाल है। एन वक्त पर केंद्रीय कर्मचारियों को आनन फानन झाबुआ धार बदला गया और झाबुआ और धार से 1500 से 2000 कर्मचारी फिर बुलाए गए। इसी चुनाव आयोग के चुनाव के दौरान अराजकता क्यों? सवाल है। मध्य प्रदेश में लाखों वोट नहीं डाल पाए, इसके लिए दोषी कौन? क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश तो नहीं? मैं मानता हूं ये सब बातें, ये सब भाव इस बात को बताते हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं, और जब चुनाव हारने वाला मुख्यमंत्री 3P से चुनाव जीतना चाहता है, पैसे से, प्रशासन से और पुलिस से, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये क्या नई प्रोसेस चालू हुई? और ग्रीन कार्ड लेके इधर से उधर दौड़ते रहो, पता चला ही नहीं कि क्यों है ग्रीन कार्ड, क्या उसका उपयोग है। मैं मानता हूं कि इन सब बातों के लिए ये सरकार दोषी है, चुनाव आयोग दोषी है, और जितनी अराजकता हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में 80-20 के रेशियो से, 80-20 के रेशियो से बीजेपी हार रही है। नगर निगम के चुनाव का रुझान, जैसा मैंने कहा, शिवराज की भाषा बताती है कि जनता उनके खिलाफ हो रही है। आतंकवाद, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना अपने आप में बताता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आरोप लगा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, छोटी भाषा बोल सकते हैं, अमर्यादित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर सकते हैं। ये एहसास कराता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी हारने वाली है। और इस बीच में हमारे वो मेकअप मंत्री जानते हो कौन है? बताओ कौन है मेकअप मंत्री? सब जानते हो, मतलब मेकअप मंत्री कौन है? ये कब सो जाते हैं और कब जाग जाते हैं पता ही नहीं। ये जैसे ही प्रदेश में कोई घटना घटी,
देवास में एक आदिवासी महिला के साथ जो कुकृत्य किया पूरे विश्व ने देखा, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। ये मेकअप मंत्री सोते रहे, जागे नहीं, मीडिया में भी नहीं आए, सामने भी नहीं दिखे। जैसे ही खरगोन में एक आदिवासी बहन के साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, ये मेकअप मंत्री सोते रहे। विदेश में कोई घटना हो जाए, देश में कोई घटना हो जाए, कलकत्ता में कौन कौन बोल रहा है। अब इनको कनाडा के गृह मंत्री हैं ये, कनाडा के घटना का रिएक्शन यहां देंगे, FIR कराएंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। अरे करो ना, होना भी चाहिए। किसी भी धर्म की आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसके साथ जितनी जितनी जल्दी कार्रवाई हो करो, पर आपका दायित्व तो निभाओ। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं होती है, जब मेकअप मंत्री जी आप सोते क्यों रहते हो, जब आपके हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकलता, आप बात क्यों नहीं कर पाते जनता की आंखों में आंखें डाल के। आपको यहां नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीचे से नंबर वन हो आप, आपकी गृह व्यवस्था की व्यवस्था में, क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आपके लोग जैसा मैंने कहा अवैध गतिविधियों में लिप्त है और आपका गृह क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कैसे प्रशासन और पुलिस का प्रहार कराओ, इसमें लगे रहते हो और देश विदेश की बातों पर जाग जाते हो और प्रदेश की बातों पर सो जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री से। निंदा करता हूं उनके पूरे कृत्य की। जहां तक प्रश्न है,